एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया तो उसके अंदर के जो कोड एंड लॉजिक वो हाइड हो जाएंगे, यानी उनके अपने कोई ब्लॉक नहीं होते, उनके अपने कोई कोड नहीं होते, उनको यूज करा जाता है किसी और दूसरे लोकेशन पे। यानी कि अगर मैंने इस क्लास को रहने देता हूँ, मैं क्लास बना रहा हूँ डेमो के नाम से, और मैंने यहाँ पे एक मेथड लिखा है void okay. तो ये अगर इसके पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया यहाँ पे लगा दिया तो इस मेथड को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि इसकी अपनी बॉडी है, इसका अपना कोई ब्लॉक नहीं होता है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसको सेमी कॉलन लगा देते हैं, इसे बोलते हैं ना फंक्शन डिक्लेरेशन, कुछ वैसे ही यहाँ पर भी। लेकिन जब किसी फंक्शन को अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट करूँगा तो वो फंक्शन कौन सी इस क्लास के पहले मेरे को एब्स्ट्रैक्ट लगाना हो गया, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप नॉर्मल मेथड के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर void display, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज डिस्प्ले मेथड, ओके। तो और जब इसे इनहेरिट करेंगे तो बिल्कुल पहले की जैसे किसी क्लास को कैसे इनहेरिट करते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा डेमो। तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहोगे, हाँ, इसके अंदर जो मेथड है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया हुआ है, वो उस मेथड को हमें इनहेरिट करना, उसको यूज़ करना होगा, ओके। जब मैं इसको किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करूँगा तो इसके अंदर के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सबको इनहेरिट करना पड़ेगा, उसको यूज़ करना होगा। तो अगर मैं यूज़ करूँगा तो ऐसे करूँगा void जैसे फंक्शन है, सो ये ओवरराइड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी मैसेज लिखना है स्पेस आउट डॉट प्रिंट, दिस इज सो फंक्शन, और ये मेन मेथड है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस मेथड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दोनों फंक्शन को मैं यूज कर सकता हूँ, डिस्प्ले को भी और शो फंक्शन को भी, शो फंक्शन और तो रन करता हूँ इसको। यहाँ पर दोनों आ रहे हैं, यहाँ पर सो फंक्शन भी आ रहा है, दिस फंक्शन। तो एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है जो किसी मेथड को, जिस मेथड के अंदर, इस क्लास के अंदर है, उस क्लास को भी हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो चलेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट एक क्लास है, इसके अंदर वो हर काम कर सकते हैं जैसे एक नॉर्मल क्लास कर सकते हैं, इसका इंस्टेंशिएशन नहीं होता, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं डेमो क्लास का, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन इसका इसका वो हर काम जैसे काम तो पूछ रहा कुछ okay. तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल, लेकिन जैसे एक क्लास होता है वो हर काम करेंगे जैसे एक क्लास के अंदर होता है okay? तो पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन होता है। इसके पैरेलली एक और होता है कॉन्सेप्ट इंटर, तो इंटरफेस के लिए मैं इसको कमेंट में लगा देता हूँ, इंटरफेस मैं बता रहा हूँ आपको। तो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस एक कीवर्ड होते हैं इंटरफेस, और मैंने यहाँ पर इंटरफेस डेमो लिखा, और इसके अंदर जो मेथड है कोई भी मेथड ले लेता हूँ मैं, एक मेथड बिल्कुल जैसे मैंने ये लिया हुआ था ना शो फंक्शन, वैसे ले रहा हूँ वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर ऐसे कुछ। इंटरफेस एक कीवर्ड है जो, या जैसे कह सकते हैं इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट होता है, क्लास का ब्लूप्रिंट होता है,
बिल्कुल क्लास के जैसे ही होता है लेकिन इसका ब्लूप्रिंट होता है। तो इसको इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, जब इसको इनहेरिट करते हैं तो यहाँ पर एक्सटेंड कोड यूज नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो किसी दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करता है, यानी कि डेमो हमने लिखा है इसको इनहेरिट करता है। तो शो को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पर स्पेसिफायर हमें लगाना पड़ता है पब्लिक। तो इसके अंदर इंटरफेस जो बना हुआ ना, इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें यूज कर सकते हैं, एक मेथड यूज कर सकते हैं और वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अंदर जो भी फंक्शन बनाएंगे इसका कोई अपना बॉडी या ब्लॉक नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट केस में बनाया था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम बोलते हैं पार्शियल एब्स्ट्रैक्ट, इसके अंदर जब जाते हैं तो इसको बोलते हैं अपना कोई ब्लॉक नहीं होता, बिल्कुल फंक्शनल डिक्लेरेशन होगा, जैसे हमने शो फंक्शन को बनाया है। इसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखा, मतलब क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली वो ऐड करेगा। एब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, मतलब वही है रखो या ना रखो। तो सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और जो वेरिएबल होते हैं वो मॉडिफाई नहीं करा जा सकता। स्टैटिक मतलब होता है जो उसी क्लास के अंदर ही यूज करेंगे कर जा सकते हैं, या उसी क्लास के अंदर या इंटरफेस के जरिए से उसको यूज कर सकते हैं, किसी और लोग किसी और ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे क्लास के नेम से उसको एक्सेस नहीं करा जा सकता। स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं। अब मैं यहाँ पर अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर जो अगर डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आएगा दिस इज शो फंक्शन, दिस इज शो, ओके। इसको डिस्प्ले करना है यहाँ पर, तो कैसे लिखते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, डायरेक्ट ओके आगे ये 90 कलम लिखना है, ओके। इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, अगर मॉडिफाई करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि ये फाइनल होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में और कुछ पूछना है? सबसे पहले असलम ये बताओ कि इंटरफेस की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कब आती है और हम क्यों बनाना चाहिए, वो कब बनाते हैं इंटरफेस, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट जैसे रिक्वायरमेंट होता है, फुल्ली रिक्वायरमेंट एक्चुअली ये होते हैं, इंटरफेस होते हैं। जब आपको कभी जरूरत पड़ती है किसी इंटरफेस के अंदर फंक्शन को, तो हम उस फंक्शन को इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। नहीं, नॉर्मल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फिर क्या डिफरेंस रहा? फर्क सिर्फ एक ही है कि उसका नॉर्मल फंक्शन के अंदर, नॉर्मल क्लास के अंदर कोई क्लास अगर हमने बनाया हुआ, कोई फंक्शन अगर हमने बनाया हुआ है, तो उसकी उसको डिक्लेयर उसकी ब्लॉक बनाते हैं। जैसे कि हमने इस क्लास के अंदर एक फंक्शन करूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम नॉर्मल मेथड के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं, ओके। तो ये एक क्लास नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि हमने एक ऐसा मेथड बनाया जिसका अपना कोई ब्लॉक नहीं है, लेकिन नॉर्मल क्लास के अंदर हम ऐसा नहीं बना सकते, एरर आएगा। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है? रिक्वायरमेंट जब आप किसी कुछ ऐसे फंक्शन बनाए जाते हैं जो स्पेसिफिकली उसको यूज करा जाता है, ठीक है, जब जरूरत पड़ता है तो उसको इनहेरिट करके यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शो फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन तभी हम यूज करेंगे जब इसको इनहेरिट करेंगे। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट में बात करूँ, इस क्लास को इनहेरिट जब हम करेंगे तभी हम उसको यूज कर सकते हैं, ओके। लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, इसके अपने ब्लॉक हो, उसके अपने मैसेज होते हैं। यहाँ पर क्यों मैं दिखाऊँ यहाँ पर कि यहाँ पर मैं क्यों दिखाऊँ दिस इज शो फंक्शन, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ, कुछ और मैसेज लिखना चाहता हूँ अलग अलग क्लास में। इस क्लास में मैं दिखाना चाहता इसको इनहेरिट करेंगे, वहां पर कुछ और दिखाना है, थैंक यू बाय जो भी लिखना है मैसेज टेक्स्ट मैसेज लिख सकते हैं। फंक्शन तो एक ही है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, लेकिन अलग अलग क्लास के अंदर जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो अलग अलग मैसेज दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर फंक्शन का एक ही है। इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट, जब भी इसकी चीज़ों को बदलती है तो हम उसकी मॉडिफाई कर सकते हैं, वैल्यू मतलब सिनेरियो स्ट्रक्चर एक रहेंगे, अलग अलग चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं समझ गया, यानी कि डिक्लेयर करके रख दिया आप कॉल, उसको कभी भी मार सकते हो वैल्यू पास करके, बिल्कुल किसी भी लोकेशन से उसको। समझ गया मैं। अच्छा, इसका एक्सेस पब्लिक होता है ना, ग्लोबल एक्सेस है ना ये?
हाँ इसको जब इनहेरिट करते हैं तो सब कुछ आ जाता है, पब्लिक है यहाँ पर, मैं रखूँ या ना रखूँ तो पब्लिक ही है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, इसका स्कोप स्कोप क्या है ना, ये स्कोप, हाँ स्कोप पब्लिक है, हाँ पब्लिक, क्योंकि अगर पब्लिक नहीं करते एक्सेस नहीं, अब पब्लिक ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि कहीं दूसरे लोकेशन से इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो दूसरा लोकेशन का मतलब आता है आपको पब्लिकली उसको एक्सेसिबिलिटी दे रहे हो, हाँ बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है, किसी पैकेज में अगर यूज कर रहे तो उसको दूसरे पैकेज में इसकी एक्सेसिबिलिटी दे रहा है तो पब्लिक ऑफ कोर्स पब्लिक होंगे, ये इनहेरिटेंस नहीं है, ओके इनहेरिटेंस पे जैसे दिख रहा है जरूर, लेकिन इस केस में खासकर इस फंक्शन के अंदर इसको जब ही यूज करेंगे जब जब इस क्लास को इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी यानी एक्सटेंड लगाते हैं तो, और एक चीज और बताना था कि अगर एक बार में एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, जैसे मान लो एक और क्लास होता तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन हम इंटरफेस को कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक और इंटरफेस बना दिया, एक और इंटरफेस बना दिया मैंने यहाँ पे, ये डेमो है मान लो, ये डेमो टू है, ठीक है दो इंटरफेस बना, तो जब इनहेरिट करते हैं तो एक से ज्यादा इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं, सेपरेट कमा कमा लगा सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड की जब यूज करूंगा क्लास, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करूंगा तो ये अलाउड नहीं करता, इसलिए कई बार पूछते हैं लोग कि क्या ये मल्टीपल इनहेरिटेंस तो होता है, तो मल्टीपल ये इनहेरिटेंस जरूर दिख रहा है क्योंकि इंप्लीमेंट का मतलब होता है एक्सटेंड, लेकिन इंटरफेस के केस में इंप्लीमेंट लगाते हैं तो दो पेरेंट बन रहे हैं, ओके डेमो एंड डेमो टू किसके टेस्ट टू के, तो ये क्लास नहीं है, क्लास के जैसा का मतलब इंटरफेस में सिर्फ दो ही चीज होते हैं, तीसरा नहीं होता है, एक होते हैं वेरिएबल होते हैं जो स्टैटिक एंड फाइनल नेचर के होते हैं, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, और तीसरा नहीं होता, ना तो कोई कंस्ट्रक्टर होता है, ना इसके अंदर कोई मेन मेथड बना सकते हैं, और कुछ भी नहीं हो सकता, नॉर्मल मेथड नहीं बना सकते हैं, कोई कुछ नहीं होता, तो ये एक जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं करता है, ओके इस केस में अगर मैं कहूँ यहाँ भी शो फंक्शन है, देखो यहाँ पे एरर भी नहीं आ रहा, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो डिफाइन तो कर दिया, तो कौन सा वाला शो है, ये वाला या ये वाला, कंफ्यूज नहीं होगा फिर वो, क्योंकि बना तो एक ही फंक्शन है ना यहाँ पर गौर करोगे ना तो बना तो एक ही है, तो डिक्लेयर तो हुआ मतलब तो वही हुआ ना, ओके दोनों स्ट्रक्चर एक बार बने तो वैल्यू तो यहाँ पर रहेंगे इसके, तो फर्क नहीं, ये एरर जनरेट नहीं करता, मल्टीपल इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं एट द सेम टाइम में, इनहेरिट कर सकते हैं एट द सेम टाइम में, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हाँ तो सर कौन सा वाला करेगा वो, किसमें ये डेमो वन या टू का कौन सा करेगा, स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक लॉजिक है ये, ठीक है ये बना हुआ, इसमें से कोई भी आएगा, कि देखो दोनों का एक ही इमेज स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आवाज कट रही है सर, आ रही है बीच बीच में कट जा रही है, अभी भी कट रही है, हाँ आ रही है, ओके मैंने कहा कि यहाँ पर इमेज बन गया है, स्टोरी तो नीचे होगा ना, यहाँ पर फंक्शन बनाया हुआ है लेकिन इसकी स्टोरी तो पूरी इधर है, तो फर्क नहीं पड़ता दोनों में से कोई भी आ रहा है, एक ही है, अगर मैं एक इमेज, मेरी इमेज बार बार दिख रही है तो मैं तो हाँ, लेकिन जो फिजिकली जो मैं हूँ, जो मेरा फेस है, अगर मैं ग्लास में देखता हूँ तो मैं फिजिकली तो मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, लेकिन इमेज जो दिख रहा है एक ही जैसे दिख रहा है, तो फर्क थोड़ी होता है क्या पहली या दूसरी तीसरी इमेज को देखें, तो ऐसे समझने की कोशिश करो, मैंने एक एग्जांपल बताया था, ये एक तरह से इमेज है, उसका यूज बेसिकली यूज जो है वो यहाँ पे है सर, और एक चीज है, फिर बोलो कई सारे इंटरप्रेट हम, हेलो हाँ हाँ बोलो आवाज आ रही है, हाँ सर ये ऊपर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसमें जो ये डिस्प्ले फंक्शन है इसको क्या हम नीचे अलग से मॉडिफाई कर सकते हैं, नीचे जो इनहेरिट कर रहे हैं हम उसको मतलब एक्सटेंड करके ओवरराइड करेंगे उसको, हाँ ओवरराइड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं देखो, तो फिर सर ओवरराइड करके अगर हम कोई भी फंक्शन कर सकते हैं कुछ भी, जैसे ओवरराइड में कर क्या हम जो कुछ एक जैसे कि कोई एक क्लास का एनिमल क्लास का कोई एक फंक्शन हमने पेरेंट क्लास में लिख दिया उसको फिर हम
ओवरराइड कर रहे हैं सब क्लास में कि साउंड बोल के एक फंक्शन जिसको हम अलग अलग सब क्लास में डॉग के क्लास में कैट क्लास में अलग अलग ओवरराइड का डेटा दे रहे हैं उसमें हम तो ओवरराइड तो हम ओवरराइड में ये चीज ये जो फंक्शनलिटी है कि हम नीचे कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस मेथड को इनहेरिट करके तो वो चीज तो हम ओवरराइड करके भी कर सकते हैं तो फिर एब्स्ट्रैक्ट में फिर ऐसे करने की क्या जरूरत है कि एक फंक्शन को वहां लिख दिया हमने प्रॉब्लम समझाऊं कहने का मतलब अगर मैंने यहां पर मैंने यूज करा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ये ठीक है ये नॉर्मल फंक्शन है जैसे क्लास में फंक्शन बना रहा है अगर मैं इसी को मैंने यहाँ पे इस क्लास के अंदर मैं यूज करा होता करा हूँ यहाँ पे तो ये एब्स्ट्रैक्ट ये ओवरराइड फंक्शन है ठीक है ये जो फंक्शन है ना ओवरराइड हुआ है ओवरराइड होगा अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करूँ तो ठीक है ये ओवरराइड है ना कि और ये ओवरराइड नहीं है ये इसको इसको ये नहीं बोलेंगे ओवरराइड ठीक है ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम यूज कर रहे हैं ये यूज करने के लिए ही बना है ये जरूरी नहीं कि इसको ओवरराइड करा दें ओके और एक चीज और मैं जैसे मैंने ये फंक्शन लगा दिया तो एक स्टेंस और क्या था वहां पर डेमो था ना डेमो तो क्योंकि यहां भी डेमो है वहां भी डेमो है इसको डेमो 3 कर देते हैं कमेंट में डालना है इसको देखो एक बार में हम क्या क्या कर रहे हैं हमने एक बार में क्या क्या करा है देखना पहली बार तो इनहेरिट करा और क्लास को भी इम्प्लीमेंट करा यानी कि डेमो जो डेमो 3 क्लास है उसको इनहेरिट करा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसलिए ओवरराइड हुआ है जो उधर था ठीक है इस क्लास में अगर मैं इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले को तो ये वाला आएगा ना कि वाला मैं यहाँ पर बोलता हूँ डेमो 3 ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले इन टेस्ट क्लास ठीक है टेस्ट क्लास इस केस में ये पहली प्रायोरिटी ये आएगा क्योंकि ये चाइल्ड पहली की कॉल करता है तो टेस्ट हमने बनाया वो भी डॉट डिस्प्ले वो भी डॉट डिस्प्ले तो टेस्ट यार टेस्ट तो पेरेंट वाला क्योंकि ये ओवरराइड हुआ है मेथड ओवरराइड एग्जैक्टली सेम चाइल्ड क्लास में भी बना जाए तो ये मेथड ओवरराइडिंग हुआ तो ये तुम्हारा आई थिंक जो क्वेश्चन कर रही थी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो शायद ये है ठीक है और कोई क्वेरी है इससे रिगार्डिंग नहीं सर मैं कुछ और बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि हम ओवरराइड करने में भी ये फंक्शन ये जो एब्स्ट्रैक्ट का प्रॉपर्टी है हम यूज कर सकते हैं जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम एक फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं उसको वहां पे उसकी बॉडी नहीं लिखते ना नीचे जाके हम उसको डिफरेंट क्लासेस में उसको डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं एक्सटेंड कर तो हम अगर ओवरराइड करेंगे तो भी तो हम ऐसे कर ही सकते हैं एक फंक्शन को हमने एक पेरेंट क्लास में लिख दिया उसको मैंने ओवरराइड किया उसकी बॉडी मैंने चेंज कर दी फिर किसी और क्लास में मैंने उसको एक्सटेंड किया फिर उसकी बॉडी मैंने चेंज कर दी तो वो ओवरराइड कर करके भी मैं कर सकती हूँ तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या जरूरत है उसके लिए ये एब्स्ट्रैक्ट अगर एक मैं कहूँ क्या अगर मैंने इसको इनहेरिट नहीं करा ये डेमो 3 है ना इसको इनहेरिट नहीं करा ठीक है और इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा पहली बार तो बनेगा ही नहीं लेकिन क्या मैं इसको कॉल कर सकता हूँ कोई मतलब ही नहीं तो इसको कहीं यूज करेंगे तभी तो कॉल करेंगे उसका अपना कोई ब्लॉक नहीं है इस क्लास के अंदर इसका अपना कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है सिर्फ नेम है फंक्शन का कोई इसका कोई ओरिजिन नहीं है इसका कुछ भी नहीं है यहाँ पे सिर्फ नेम ऑफ फंक्शन है इसको हम कहीं यूज करते हैं दूसरे क्लास के अंदर हाँ तो वही ना सर इसका तो कोई इसका तो कोई बॉडी ही नहीं है तो फिर इसको करने की जरूरत है हम एक बॉडी वाली चीज को भी तो कर सकते हैं जैसे कि ओवर जो पॉलीमॉर्फिज्म में होता है ओवरराइडिंग का ओवरराइडिंग हाँ बिल्कुल वो कर सकते हैं लेकिन यहाँ ओवरराइडिंग नहीं करना ना ओवरराइडिंग हम पर्टिकुलर केस में ही करते हैं जैसे कुछ बने बनाए लॉजिक है जिनका अपना स्ट्रक्चर है अपना लॉजिक लिखना है तो ये तो उनका अपना डिस्प्ले फंक्शन है ना तो उनके केस में वो इनहेरिट के कॉन्सेप्ट में ही रह जाए
के रखा हुआ खुद का अपना लॉजिक बनाना है। क्यों मैं यहाँ पर बने हुए, ये तो डिस्प्ले फंक्शन है, इनका अपना लॉजिक है, यहाँ पर कुछ मैसेज डिस्प्ले हो रहा, तो इसको ओवरराइड हम चाइल्ड क्लास में कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है, इसको कोई और यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके चाइल्ड क्लास ही यूज कर सकते हैं। तो ओवरराइडिंग कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, ये इसको ओवरराइड की क्या जरूरत है, मैं एब्स्ट्रैक्ट क्यों ना बना लूं, कि इसकी वैल्यू सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पर जो लिखा है ना, ये शो फंक्शन क्या है, शो फंक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कहीं और यूज करा हुआ, तो ये शो फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इसे पता है, इस क्लास के अंदर को पता है, किसी दूसरी क्लास में अगर जाओ और पता करो कि शो फंक्शन में क्या है, तो हो सकता है दूसरे क्लासेस में शो फंक्शन तो यूज करा है, लेकिन वहां पर उनका अपना लॉजिक है, यानी कि एक शो फंक्शन ये नहीं बता रहा है कि इसमें स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट हमने रखा हुआ है, सबके लिए अलग अलग वैल्यू है यहाँ पे। बेसिकली सिक्योरिटी एक तरह से कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगा, तो उसमें आएगा गेटर एंड सेटर मेथड, किसी डेटा मेंबर को हम प्राइवेट करते हैं किसी दूसरे क्लास के अंदर, तो आई थिंक वो क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लियर, हाँ, ओके, तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस, ठीक है। इसके अलावा अखिलेश और क्या क्या रह गया था उसमें? असलम अपना ना अभी पॉलीमॉर्फिम्स और एब्स्ट्रैक्शन ये नहीं हुआ है, मतलब अभी हमने जो देखा था ना वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ही देखा था। अच्छा, तो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुआ था ना? तो ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में बता देता हूँ। हाँ, मेथड ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग ये नहीं हुआ था अभी, पैरामीटराइज्ड मेथड ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग एंड इट्स कॉलिंग। तो उप कॉन्सेप्ट में ओवरराइडिंग बता देता हूँ, फिर मैं अगले टॉपिक पे जाऊंगा। तो क्लास में बताते हैं तो एक सुपर फंक्शन क्या है, सुपर बोलता हूँ, ये मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। जैसे मैं कहूँ, अगर मेरे को एक मैसेज को लिखना है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखना आई एन टी एक फंक्शन एडिशन, तो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, दो फंक्शन बनाऊंगा एडिशन के नाम से, और एक में दो पैरामीटर को पास कर, तो दूसरे में दो या तीन या एक से ज्यादा पैरामीटर को पास करूंगा। तो मैं लिखूंगा, मैं लिख दूंगा सम ऑफ नंबर इज, नंबर इज, और यहाँ पर प्लस, इसके अंदर ए प्लस बी। एक ऐसा फंक्शन किसी क्लास के अंदर सेम नेम से एक से ज्यादा बार यूज करा जाए, ओके, एक ऐसा फंक्शन एडिशन के नाम से दो बार बनाना है। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे इस मैसेज को डिस्प्ले नहीं करना, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न। फंक्शन के अंदर मैं बताया था रिटर्न का मतलब, ये फंक्शन जहाँ से आया है ना वहाँ पर रिटर्न करेगा, तो पहले इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, अभी तो एक फंक्शन है कि इसमें जब जाऊंगा और इस वेरिएबल ए में इसको स्टोर करूंगा, और इसे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्लस बी एंड बी, तो ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा। लेकिन मेरे को अगर तीन नंबर डालना, एक और फंक्शन आएगा सीन से, तो पैरामीटर हम इसकी बदल देंगे आईएनटी सी। अब यहाँ पे जरूरी कि सिर्फ आईएनटी रखूँ, अगर मैं दो पैरामीटर रखना है तो हम रख सकते हैं, यहाँ पे इंट रखा है तो यहाँ पर लगभग इंट एक फ्लोट रखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैरेक्टर रखो, स्ट्रिंग रखो, अलग अलग पैरामीटर होना चाहिए, नेम ऑफ फंक्शन मस्ट बी द सेम
and ये parameter must be the different entity type, और उसके type को भी हम change कर सकते हैं. तो इसको बोलते हैं method overloading. method overloading मैं इसको run करता हूँ, बताता हूँ. ऐसे करता है यहाँ पे फोन नंबर कहाँ पर डालते हैं, यहाँ पे इसको b में स्टोर करते हैं. समय तो नंबर तीन नंबर लिख दो यहाँ पे इधर वैल्यू है, रन करा उसके जो भी वैल्यू है यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है, रिटर्न इसमें ओके. मैंने क्या करा कि यहाँ पर c को स्टोर नहीं कर, इस पर सी को ऐड करके जो भी वैल्यू आएंगे वो वैल्यू डिस्प्ले करेगा. ठीक है, यहाँ पे तो एक ऐसा फंक्शन किसी क्लास के अंदर सेम नेम से मोर देन वन टाइम्स यूज करा जा रहा है, और उसके टाइप अलग अलग पैरामीटर है. जैसे इसके दो पैरामीटर हैं, किसी में तीन पैरामीटर हो सकते हैं, किसी में एक या किसी में एक भी नहीं. तो इस तरह के जो जो फंक्शन होते हैं उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग. और मेथड ओवरलोडिंग को स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं. स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि जब कंपाइल करते हैं इसे इसी समय ये चेक करता है इसको कि इसके पैरामीटर इसके टाइप ओके दोनों को सेम चेक करता है. जैसे अगर मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया तो यहाँ भी एरर आ रहा है. तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेथड ये स्टैटिक बाइंडिंग ये कंपाइल टाइम पर ही चेक करता है. ओके, तो ये 10 मिनट बाद सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा. फिर से मैं लिंक शेयर करूँगा फिर से जुड़ना, क्योंकि 40 मिनट ही रहता है. ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग स्टैटिक नेचर के होते हैं. मेथड ओवरराइडिंग के लिए क्या करते हैं, एक ऐसा मेथड जो पैरेंट क्लास में हो एग्जैक्टली रीडिफाइन एग्जैक्टली सेम उसको सिर्फ उसके चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन करा जाए. और मेथड विच इज प्रेजेंट इन द पैरेंट क्लास एग्जैक्टली रीडिफाइन देयर फंक्शन इन द चाइल्ड क्लास, उसके जो मेथड सिग्नेचर हो सेम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम क्लास का नाम बनाया डेमो. और डेमो के अंदर मैं इसी को ओवरराइड कर रहा हूँ. तो ये मेथड है. अब यहाँ पे ओवरराइड करेंगे तो दोनों का मतलब सपोज यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा. ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर हम एडिशन ही रखते हैं. यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, नेम बनाया एडिशन का मल्टीप्लाई करा. तो अभी इस केस में मल्टीप्लाई होगा या सम होगा, अब मेरे को कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक क्लास है, यहाँ पे भी एक मेथड है, और यहाँ पे भी मेथड है. जब मैं इसको इनहेरिट करूंगा, पहले इनहेरिट भी करना मुझे, इनहेरिट करेंगे फिर इसको जब इनहेरिट करेंगे डेमो को, तो इसके पास दो चांस हैं, इनको भी डिस्प्ले करने के लिए, इनको भी एग्जीक्यूट करने के लिए, दोनों को एग्जीक्यूट करने के लिए चांस है. लेकिन पहले प्रायोरिटी चाइल्ड क्लास को होती है. इस केस में एडिशन फंक्शन को कॉल करेगा, दोनों को ऐड करके रिटर्न करेगा, और आएगा वैल्यू कितना 99 आएगा. ठीक है, 99 आएगा. इस केस में मेरे को ये चाहिए, पहले तो ये जान लो किसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग. इस केस में अगर एडिशन फंक्शन चाइल्ड क्लास में नहीं मिला तो फिर जाएगा पेरेंट क्लास में, और वहाँ पर अगर वो फंक्शन होगा तो उसको कॉल करेगा. जैसे मैंने इस एडिशन वन कर दिया, तो जब चेंज करेंगे तो फिर ये चेक करेगा. अभी यहाँ पर चेक नहीं करेगा, तो चेक करेगा यहाँ पर इसके पेरेंट क्लास में कोई है क्या. अगर हमने यहाँ पर यह चेंज कर दिया तो फिर यहाँ आया रहेगा, क्योंकि वो नहीं मिल रहा. और ये डायनेमिक होते हैं, जैसे वो स्टैटिक मेथड होते हैं, ये डायनेमिक होते हैं. यहाँ देखो, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा और वहाँ से वैल्यू रिटर्न करके आ रहा है. इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग. एक ऐसा मेथड जो चाइल्ड पेरेंट क्लास में भी हो और चाइल्ड क्लास में भी बनाया जाए, इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग. डायनेमिक का मतलब होता है कि रन टाइम पर कंपाइल टाइम पर ये चेक नहीं करता है, रन टाइम पर चेक करता है कि उसकी अवेलेबिलिटी पेरेंट क्लास में वो फंक्शन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं. ठीक है, इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग. मेथड ओवरराइडिंग मेथड ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म के दो पार्ट हैं, और मोर देन वन सेम नेम के क्लास अगर बनाया जाए फंक्शन बनाया जाए तो इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म. और कोई क्वेरी इससे रिगार्डिंग? तो मैं एक चीज पूछनी थी,
मैं ये पूछ रहा था कि जो आपकी ओवरलोडिंग है, ठीक है, तो ओवरलोडिंग के अंदर फंक्शन का जो नेम है वो सेम रहता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपके चेंज होते रहते हैं जितने आप पास कर रहे हो। ओवरराइडिंग के अंदर नंबर आप नहीं कर सकते, इनके टाइप भी चेंज होना चाहिए। मैं यहाँ पर मैं ऐसा क्यों करूँ, देखना है यहाँ पे, ये मेथड ओवरलोडिंग यूज कर रहा हूँ क्योंकि एरर है दोनों में। मैं यहाँ पर फ्लोट करता हूँ ना, ओके, यहाँ पे फ्लोट कर देते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स है ना, तो रिटर्न टाइप भी तो फ्लोट होना चाहिए। ओके सर, यहाँ पे फ्लोट नहीं है, यहाँ पे लिख दूंगा फ्लोट बी, ओके, और यहाँ पे भी रिटर्न टाइप दोनों को फ्लोट है तो फ्लोट ही होंगे, रिटर्न टाइप भी या फ्लोट आएगा, फ्लोट बी बी। तो अब देखो यहाँ पे भी दोनों में तो पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर तो सेम है। मैंने ये बताया था कि नेम ऑफ फंक्शन सेम होना चाहिए, पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए, अगर सेम है तो के टाइप भी अलग होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे भी अगर मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इंट कर दिया, ठीक है, तो भी एरर नहीं आएंगे। ओके, क्योंकि ये वो पैटर्न समझेगा कंपाइल टाइम में, ये पैटर्न समझेगा कि अलग अलग पैटर्न है। तो यहाँ पे इस केस में अगर हमने फ्लोटिंग वैल्यू यहाँ रखा हुआ तो ये वाला इसके अंदर जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे, इसको हटा दिया तो ये जाएगा किसके पास, इस वाले के पास जाएगा, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू। और तो इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये मेनली जो उप्स के जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट होते हैं, लेकिन इसके स्कोप अब से लगातार जब तक हम जवाब पढ़ेंगे इसके स्कोप रहेंगे, इसीलिए इसको जाना अच्छे से जरूरी है। अगर कोई क्वेरी अगर आती है ना तो फिर हम अगले वाले क्लास में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में जानना होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, कैसे इसको एग्जामिन करते हैं। अच्छा, तो आज की क्लास को ना असलम 10 बजे क्लोज कर देंगे, क्योंकि मेरी ना, मैंने लैपटॉप शेयर कर लिया, मेरी ऑफिस की भी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, 10 के पहले मैं, 10, हाँ बिल्कुल 10 के पहले मैं क्लोज कर लूंगा, ठीक है। और मेरे को ना आप प्लीज वो भेज देना, मैं अभी आपको ना मैसेज कर देता हूँ मेरी मेल आईडी, आप मेरे को क्वेश्चन शेयर कर देना है प्रैक्टिस का प्रोग्राम ना। हाँ, तो फाइल हैंडलिंग नहीं होगा क्या? नहीं, पहले ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फिर फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। फाइल हैंडलिंग में क्योंकि उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग आता है ना, तो अगली, अभी आज मैं कुछ फाइल एक्सेप्शन हैंडलिंग बता देता हूँ, और अगली क्लास में एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट करते हैं और फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कल की क्लास जो होगी वो एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट करके फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है सुप्रभा को, तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि दोनों को एक साथ में कंप्लीट, ये बैच साथ लेकर चलेंगे तो सही रहेगा दोनों का, बहुत सारे सेटअप नहीं दे रहा। हेलो, आ रहा भी आवाज? हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि हेलो, दो स्टूडेंट को एक साथ एक बैच में ज्वाइन करा जाए, तो मैं, मेरे को अगर फाइल अगर मैं अभी बताऊं तो शायद कुछ इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी होंगे, तो अखिलेश को शायद समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसको उस कॉन्सेप्ट को बता बता के फिर इसके बाद क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग के